हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन क्या होता है, सब हम फिजिक्स में पढ़ते हुए आते हैं, बट हम यहाँ पे एक अलग नजरिए से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन जब एक पार्टिकल जो है वो उसके अंदर की तरफ एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में इसमें फ्लो होता है, सॉरी उसमें जो मूव करता है उसका जो मोशन होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट मींस मोशन ऑफ अ पार्टिकल इनसाइड अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल, या फिर हम इसको स्पेयर भी कह सकते हैं, किसी एक स्पेयर के अंदर जो है वो इनसाइड में एक सर्कल, स्मूथ वर्टिकल सर्कल है, उसमें मूव कर रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। तो डायग्राम में कुछ नहीं है यहाँ पे, हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं पूरा। ये इसका कोई सेंटर हो जाएगा, वो हम इसको कह देंगे। ये इसका कोई पॉइंट ए हो जाएगा जहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है। इट मींस अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लोवेस्ट पॉइंट ए, ए हमने कोई लोवेस्ट पॉइंट कंसीडर किया है, विथ वेलोसिटी यू एंड मूव्स अलोंग इनसाइड अ स्मूथ वर्टिकल सर्कल। किसी स्मूथ वर्टिकल सर्कल के अंदर की तरफ से वो ऐसे मूव कर रहा है विथ यू वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्टेड किया जाता है। दिस इज द प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी यू। एंड आफ्टर टी टाइम वो जो है पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचता है। पी पॉइंट पे क्या होता है, उस पार्टिकल में एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो इसका एंगल है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज द थीटा। अब थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे इस पार्टिकल को मैं एन कह देता हूँ। पी से ओ ए ओ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है वो ये हो जाएगा। इट मीन्स ए ओ परपेंडिकुलर पी एन हो जाएगा। ओके और ये जो इसमें आपको डायरेक्शन शो हो रही है, ये इसके रिएक्शन की है, जो एक्चुअली इसका नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। अब इसकी टेंजेंट लाइन है ये, इस टेंजेंट लाइन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड वेलोसिटी दैट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी कहते हैं, हमने उसको वी कहा है। ये जो एंगल होगा इसमें ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये इस एंगल को लेंगे, सॉरी ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इसमें 90 हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से अपने को ये पूरा एंगल लेना है इसके अलोंग, तो पूरा एंगल से हमारा ये कंपोनेंट आएगा, क्योंकि हमारा ये जो रिएक्शन जो है इस पे लग रहा है किसी पार्टिकल, वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका रिएक्शन जो है उसका सेंटर की तरफ लग रहा है। तो यहां से हम देखो एम जी के कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, जिसे को दोनों इक्विलिब्रियम आएंगे, और हम आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम इसमें अलग अलग केसेस भी देखेंगे कि पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, कितने एंगल से या कितनी वेलोसिटी से वो इस पार्टिकल में एक पूरा राउंड करेगा, यानी कि पूरा उसको ट्रेस करेगा, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, बात करते हैं इसका डेरिवेशन की। डेरिवेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि भाई इसका जो एंगल पी ओ एन है दैट इज थीटा, अब ये पी ओ एन थीटा है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सारी चीजें मैंने आपको बताई। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज द 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये हमने कोई एक्स एक्सिस जो है इसके पैरेलल रहते हैं, उसमें एक्स एक्सिस हमने इसको लेट कर लिया है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम जो है इस पे सबसे पहले बात करते हैं फोर्सेस कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स जो इस पे लग रहे हैं, ओके फोर्सेस, पहला जो फोर्स है वो इस पे कहां लग रहा है, एमजी फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, दिस इज द फर्स्ट नंबर फोर्स। अब सेकंड नंबर फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इसका रिएक्शन है, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इसकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है दैट इज द नॉर्मल डायरेक्शन। ओके ये जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है टेंजेंट की, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन होगी, और इसमें जो रिएक्शन लग रहा है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। So, ये हो जाएगा सेकेंड, इसका हो जाएगा आर नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं आर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल पे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अलोंग पीओ, यानी कि पी से ओ की तरफ लग रहा है, अलोंग पीओ, जैसे ये इसमें एरो से शो किया हुआ है, पी से ओ की तरफ, ये अंदर इन इन वर्ड हम कह सकते हैं, ये उस टाइप से इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके सो नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके पास में ये एपी है, सॉरी पीओ के अलोंग यहाँ पे हमने कहा कि ये जो इसका रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है कि मोशन जब भी फाइंड करते हैं तो हम फोर्सेस की बात करते हैं, क्योंकि मोशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, फोर्स दैट इज एफ एम ए, और ये क्या होती है
मोशन होती है, इसी से हम मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको सबसे पहले फॉर्मूले के लिए इनकी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो आपको अगर मैं बताऊं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वी डीवी बाई डी एस, एंड इसको हम डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पे ये जो ए से पी तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने एस कह दिया। ओके, और वी नो दैट एंगल दैट इज इक्वल टू एस बाई रेडियस ए। हमने इसकी रेडियस अगर आपको नहीं बताई है जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो रेडियस जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो अगर मुझे फाइंड करना एस दैट इज द ए थीटा, अब एस क्यों फाइंड किया अभी आपको पता चलेगा। तो ये जो हमने लिखा कि दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट की डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, आप सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने आपको बताया जैसे कि हम फोर्स से डिनोट करते हैं, यानी कि एम इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, ये क्या बन गया, इसका फोर्स बन गया एक्सेलरेशन इंटू ओके ये तो ना एफ एम ए एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, व्हाट इज दिस, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू मास, दैट इज द फोर्स अलोंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में एम जी, अब हमने लिखा एम जी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कैसे हुआ, यू कैन सी हियर ये पूरा एंगल जो है वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर एम जी जो कॉम्पोनेंट है उस एम जी का कॉम्पोनेंट हमको इस तरफ लेना है तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। पूरा एंगल हम काउंट करेंगे ना तो वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। एंड देन हम यहां से क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं यहां से ये एम जी आ गया हमारे पास में कॉस 90 प्लस, ये हो जाएगा थीटा। सो दैट एम वी डी वी ओवर डी एस इज इक्वल टू एम जी माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है इसलिए माइनस साइन थीटा होगा। अब हमको यहां पर अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, वी डी वी इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी साइन थीटा डी एस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस ऑफ जी साइन थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा का फंक्शन है, हम एस के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हमने ये रिलेशन फाइंड किया तो हम क्या करेंगे, डी एस इज इक्वल टू ए डी थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड वी कैन इजीली इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये ए में आगे लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, नाउ वी कैन इंटीग्रेट इजीली। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस जी ए, और साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस आ जाएगा साथ में सी। अब यहाँ पे क्या होगा, सी जो है उसको हमको देखना है, तो इनिशियली कंडीशन पे बात करता हूं मैं, इनिशियल कंडीशन में थीटा कितना होता है, जीरो डिग्री है। किस पॉइंट पे, जिस पे हम पढ़ना स्टार्ट किया, ए पॉइंट की बात करता हूं मैं यहाँ पे, आप देखते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से यहाँ पे ये यह हो जाएगा, और इसको मैं बी बी लिख देता हूँ, ओके दिस इज द बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, थीटा जो है वो एंगल जीरो डिग्री है, तो जीरो डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, कॉस जीरो डिग्री दैट इज द वन, कॉस जीरो डिग्री वन है। और यहाँ पे वी जो है वो कितना, यू है, इनिशियल वेलोसिटी बात की हमने, यू है, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी ए प्लस ये हो जाएगा सी, इट मीन सी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू माइनस क्या हो जाएगा जी, सो वी कैन पुट हियर, सो दैट इज द वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जी अपॉन ए कॉस ऑफ थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बाई टू माइनस ये हो जाएगा जी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी जो है उसकी वो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जी ए जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, सो जो वेलोसिटी आएगी आपके पास में दैट इज द वी स्क्वायर, जी ए को कॉमन ले सकते हैं नहीं तो हमारे ऐसे ही रखें तो वो भी ठीक है कोई बात नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा इसको मैं लिख रहा हूँ तो टू जी ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2GA ये हो जाएगा cos of theta, and then we can write as u square minus, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से 2GA को common ले रहे हैं, minus 2GA हमने common लिया, या फिर अगर हम plus 2GA common भी लेते हैं तो ये हो जाएगा cos of theta minus 1, so this is our equation number 1, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे discuss किया, equation number 1 हमने अगर लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये हमारी equation number 1 है, तो ये हमने किसकी condition apply की, हमने initial condition apply की, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर हमारा ये जो पूरा है
वेलोसिटी हमारी यहां से हमने फाइंड कर दी, ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। अब क्या करना है आपको, ये हमने ओनली एंड ओनली ट्रांस जो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके लिए बात किया, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इट मीन्स अभी तक हमने किस डायरेक्शन की बात की, अभी तक हमने इस डायरेक्शन की बात की। इस डायरेक्शन में जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी डी वी बाई डी एस होता है। बट अभी हम किसमें डिस्कस कर रहे हैं, इसकी नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल यानी कि ये जो टेंजेंट लाइन है इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन होती है दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। तो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जब आप बात करेंगे उस वाले का फॉर्मूला लिखेंगे। सो नाउ मैं लिखता हूं, नाउ इसकी बात कर रहे हैं हम इन डायरेक्शन ऑफ, नाउ इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, यानी कि हमको नॉर्मल डायरेक्शन की बात करनी है। नॉर्मल डायरेक्शन में हम नॉर्मल एक्सेलरेशन का यूज करते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर बाय रो। अब रो जो होता है वो यहाँ पे ए हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ रो इज इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कर्वेचर ले रहा है दैट इज सर्कल, सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, ओके, ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ये रो, और यहाँ पे अगर मुझे मोशन की इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे मोशन की इक्वेशन की बात करूं तो मोशन की इक्वेशन क्या होती है, एफ ए, सॉरी एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये हो जाएगा एम, एक्सेलरेशन क्या है वी स्क्वायर अपॉन ए, रो इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो नहीं लिखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ये ए के इक्वल है तो हम ये इक्वल किसके होगा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इस नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आर यहाँ पे इस टाइप से इस डायरेक्शन में है, दूसरा अगर मैं इस वाले एंगल से बात करूं तो ये साइन, ये कॉस थीटा होगा ना, ये एंगल के साथ में है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हो, तो पूरा हमने पूरा डिस्कस कर लिया पहले, ये 90 प्लस थीटा था इसके लिए तो। बट अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ ओनली एंड ओनली इस एंगल की, तो ये एंगल तो कितना है, थीटा है ना, तो क्या ये कितना हो जाएगा, थीटा मीन्स mg का जो कंपोनेंट ले रहे हैं, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले रहा है, तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा ओनली। अब यहाँ cos 90 प्लस थीटा नहीं होगा, ओनली cos थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा जो है वो कम है, r ज्यादा है तभी तो वो क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मोशन कर रहा है। अगर ये r कम होता, r लेस देन होता mg cos थीटा से, तो ये पार्टिकल बाहर की तरफ आ जाता है, इसलिए तो ये अंदर की तरफ ऐसे मोशन, सॉरी प्रोजेक्ट कर रहा है ना, ऐसे मोशन कर रहा है अंदर की तरफ, इसलिए यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन, तो r ग्रेटर देन हो जाएगा, r माइनस mg cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई ए हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमको r का वैल्यू फाइंड करना, आर दैट इज द रिएक्शन, उसका जो रिएक्शन कितना रहा, नॉर्मल रिएक्शन कहता है जिसको अपन, तो r की वैल्यू हमको इसमें से जनरली फाइंड करनी होती है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m, ओके, वी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए, प्लस क्या हो गया एम जी कॉस ऑफ थीटा, सो नाउ वी कैन कॉमन, वी कैन टेक कॉमन एम अपॉन ए को मैंने कॉमन लिया, तो ये आया वी स्क्वायर प्लस ये हो गया ए एम जी कॉस ऑफ थीटा, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो आर इज इक्वल टू एम अपॉन ए, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टू जी ए कॉस ऑफ थीटा, ओके, एंड माइनस क्या हो जाएगा, टू जी ए हो जाएगा, पूरा मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ ब्रैकेट को, और प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे ए एम जी, ए एम जी को मैं यहाँ पे ये जो ए एम जी है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, जब हम इसको लिख रहे हैं, अच्छा हमने m को कॉमन ले लिया ना बाहर, तो हम यहाँ पे m क्यों लिख रहे हैं, ओके, सो यहाँ से हमने m को कॉमन ले लिया ना, तो ये आ जाएगा आपके पास में ओनली a, सो ये आ जाएगा ए जी, तो ए जी क्या हो जाएगा, जी ए लिखते हैं इसको, जी ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में r की वैल्यू। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, तो r की वैल्यू है आपके पास में r इज इक्वल टू एम ए u स्क्वायर प्लस ये और ये टर्म जो है वो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3GA cos of theta minus 2GA, इस टाइप से हम जो है वो r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, इक्वेशन 2 में हमने r, इसके r मींस इसका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये प्रतिक्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो उसकी तरफ हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसका ये तो पूरा फाइंड कर दिया कि भाई जो हमारा वेलोसिटी क्या होगी, इसका रिएक्शन क्या होगा, बट हमको कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करना, कैसे,
अब स्पेशल केसेस का मीनिंग समझना, हम स्पेशल केसेस किस बेसिक पे ले रहे हैं, किस बेस क्या है स्पेशल केस लेने का, तो उसको आप अच्छे से समझना। स्पेशल केस लेने का हमारा जो मेन मकसद ही है वो क्या है, अब हमको क्या करना है, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि यहां से जो पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि वहां ऊपर तक पहुंचे, हम यहां से कितना यू दें उसको, कितनी हमारी वेलोसिटी हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, कितना उसका ये जो आर है उसका रिएक्शन है हो, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक तो थीटा वन कंसिडर करेंगे, एक हम यहाँ पे थीटा टू कंसिडर करेंगे। तो थीटा वन एंड थीटा टू को हम उस बेसिस पे देखेंगे, एक बार अगर वी जीरो हो जाए, वी जीरो हो जाए किसी एक पॉइंट पे, एक बार कहीं पे आर जीरो हो जाए मीन्स इसका जो रिएक्शन है वो जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हम इसको देखेंगे और अलग अलग कंडीशन पे उसको देखेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक थीटा वन एंगल ले रहा है, वो थीटा वन कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, अब उसके लिए कंडीशन आगे फाइंड करेंगे। तो बट अभी हमको क्या करना है, एक जनरल थीटा वन और थीटा टू के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम वी के लिए उसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा वन जो होगा वो वी से रिलेटेड होगा। सो नाउ हम यहाँ पे लिखते हैं, नाउ इफ, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, और थीटा इज इक्वल टू थीटा वन है तो वी इज इक्वल टू जीरो होता है। जब वी इज इक्वल टू जीरो होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वी दैट इज द रेडियल वेलोसिटी, सॉरी दैट इज नॉट रेडियल वेलोसिटी, इज द ट्रांसवर टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो जो सर्कल है ना इसकी टेंजेंट जो है ये वी है। अगर ये वी जीरो होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो उसका एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, थीटा वन होगा। तो वी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो इक्वेशन नंबर वन से जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू जी ए प्लस टू जी ए कॉस ऑफ थीटा है, यू 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 हो गया जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा टू जी ए, और ये क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा वन हो जाएगा। थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, थीटा वन पुट कर दिया, और हमको क्या करना है यहाँ से कॉस थीटा वन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा वन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ओके, तो कॉस थीटा वन हमको फाइंड करना है, इट मीन थीटा वन फ्री करना है ना, तो कॉस थीटा वन को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर एंड अपॉन, आई थिंक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना अपन, हाँ ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GA 1 minus cos of theta 1 and then this is the u square upon 2GA is equal to 1 minus cos of theta 1 and then we can write this is the cos of theta 1 1 minus u square upon 2GA, तो ये आ जाएगा आपके पास में cos of theta 1 का value 2GA minus u square upon ये हो जाएगा 2GA। अब ये सारी इसमें स्पेशल केसेस में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमने किसकी किसकी बात की, हमने थीटा जब जो है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमने किसके इक्वल की, कि जब हमारे पास में थीटा जो है वो थीटा वन के इक्वल है और वी जो है वो जीरो के इक्वल है। अब हम यहाँ पे इसी के साथ में एक और कंडीशन फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। ओके, यहाँ पे अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी आपके पास में, सेकेंड कंडीशन दैट इज द सेकेंड की बात करता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा टू इट मीन्स आर इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन में हमने आर को जीरो किया और आर हमारे पास में ये पड़ा, यहाँ से हम बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, आर हमने जीरो पुट किया तो ये आ गया एम अपॉन ए यू स्क्वायर प्लस थ्री ए जी ए कॉस ऑफ थीटा टू। ओके, माइनस क्या हो गया, ये कॉस ऑफ थीटा टू माइनस ये हो गया जी ए एंड देन ये हो जाएगा जीरो यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा थ्री जी ए कॉस ऑफ थीटा टू माइनस टू जी ए, और यहां से अपने को कॉस थीटा को फ्री करना है तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास में यू स्क्वायर माइनस टू जी ए, पूरा उसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी ए, आई थिंक हाँ यू स्क्वायर माइनस टू जी ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ थ्री जी ए कॉस ऑफ थीटा टू एंड देन आपको कॉस थीटा टू की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा टू दैट इज द टू जी ए, माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टू जी ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा थ्री जी ए। तो हमने क्या किया यहाँ से, एक हमने कॉस थीटा टू की वैल्यू फाइंड की, एक हमने कॉस थीटा वन की वैल्यू फाइंड की। अब हमको इसको मैक्सिमम और मिनिमम के बेसिक पे देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कॉस जो होता है
वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ कि कॉस 0 डिग्री जो होता है क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कॉस 90 डिग्री जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी कि जब थीटा जीरो सॉरी थीटा लेस देन होता है, थीटा कम होता है, मिनिमम होता है। थीटा कैसा है यहाँ पे, थीटा मिनिमम है तो कॉस आपको कैसे देगा, मैक्सिमम देगा। अगर थीटा मैक्सिमम है तो कॉस आपको कैसे देगा, मिनिमम देगा। एक्चुअली मिनिमम तो नहीं कह सकते, वैसे कॉस -1 से 1 तक वरी कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि थीटा मैक्सिमम होने पे कॉस जो है वो मिनिमम देता है, थीटा मिनिमम होने पे कॉस मैक्सिमम देता है, तो उल्टा चलता है इसमें। तो इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट किया है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि वी वेनिसेस बिफोर आर वेनिसेस, वी जो है वो 0 हो जाए आर 0 होने से पहले। आर मींस क्या है, उसका उसका जो रिएक्शंस है ना, उस रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन, उससे पहले ही पार्टिकल ऊपर नहीं पहुंचेगा। अगर मैं सर्कल की बात करूं, यहां पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इस सर्कल में अगर आप देखें, सेकंड मैं इसको थोड़ा और कम करता हूं, अगर आप इस सर्कल की बात करें तो एक सेकेंड, इस सर्कल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस सर्कल में ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द डायमीटर। तो ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां से ये जो आर अंदर की तरफ लग रहा है, अब आर 0 होने से पहले क्या हो रहा है कि ऐसा एंगल आता है जहां पे क्या होता है, ये वी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस तरफ वाली जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होते हैं मतलब पार्टिकल उस जगह पे रुक जाएगा, और उस एंगल को हम थीटा 1 एंगल कहते हैं। तो थीटा 1 एंगल जो है वो कैसा होगा, थीटा 2 एंगल से लेस देन होगा। थीटा 1 एंगल थीटा 2 एंगल से लेस देन होगा, ये इसकी कंडीशन होती है। तो जब थीटा 1, बात कर रहा हूं मैं, थीटा 1 जो है वो कैसा है, मिनिमम है, तो कॉस में अगर इसमें लूंगा ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। मैंने आपको भी बताया था थीटा 1 कम होता है तो कॉस जो होता है वो मैक्सिमम देता है, थीटा मिनिमम कॉस मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस ग्रेटर देन होगा लेकिन थीटा 1 जो है वो कम है, थीटा 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम कहते हैं कम है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमने कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 की वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2GA - U² अपॉन ये हो जाएगा 2GA। ओके, अब ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2GA - U² अपॉन दिस इज द 3GA। अब हमको यहाँ से पूरी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, आपको बस यहाँ से यू की जो है वो वैल्यू कंडीशन फाइंड करनी है। यू मीन्स है इनिशियल, हम उसको कितने इनिशियल वेलोसिटी से फाइंड करें कि वो इस कंडीशन पे आए, हमको बस एक्चुअली कंडीशन फाइंड करनी है कि वी वेनिसेस बिफोर आर वेनिसेस, आर विलुप्त हो जाता है, वी विलुप्त हो जाता है आर विलुप्त होने से पहले। तो यहाँ से जी ए कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6GA - ये हो जाएगा 3U² ग्रेटर देन ये हो जाएगा 4GA - ये हो जाएगा 2U² ध्यान रखना है, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में आप अगर इधर उधर पक्षांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टर्म्स को, तो हमेशा साइन जो है चेंज होता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप सभी को एक तरफ लाओ, 0 के इक्वल इस इन इन इस इनइक्वालिटी को 0 के टर्म्स में लिखो, 0 के इक्वल करो या 0 के रेस्पेक्ट में इसको देखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना, सारे टर्म को एक तरफ लेके आ जाओ, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो ये 100% आपसे रॉन्ग हो सकता है। तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2GA हो जाएगा, माइनस 3U² प्लस 2U² होगा तो -U² हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एंड देन 2GA इज ग्रेटर देन U² अगर आपने जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है उस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर को, अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2GA से छोटा है, लेस देन है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2GA से लेस देन है, तो आपका पार्टिकल में आर 0 होने से पहले वी 0 हो जाएगा। और उस पार्टिकल की मोशन कैसे होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ये जो है वो कैसा होगा, 90 से कम होगा। ओके, ये पार्टिकल में यहां से यहां तक 90 होगा, 90 से कम होगा, लेस देन 90 होगा, लेस देन 90 होगा, लेकिन कहां तक, इस पॉइंट से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा। पूरा अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद में आप उसको देखो, ये जब यहां पर आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे आने के बाद में वो वापस कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। ओके, उसमें क्या होगा, इस टाइप से ऑस्किलेशन होगा, एक SHM की कंडीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस
डायामीटर, ये जो डायामीटर आप देख रहे हैं, इस डायामीटर के अलोंग वो क्या करेगा, इस टाइप से ऑस्किलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप थीटा वन लिख रहे हैं, थीटा वन, तो वो जो थीटा वन जो है, वो थीटा जो किसके इक्वल है, थीटा वन के इक्वल है, तो इस तरफ भी जाएगा तो किसके इक्वल होगा, माइनस थीटा वन के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, जो आपके वी की इक्वेशन है, इस वी की इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा, मैं नेगेटिव थीटा भी पुट कर देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरी इक्वेशन में, कहीं पे भी इस इक्वेशन में अगर मैं नेगेटिव की वैल्यू भी रखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नेगेटिव में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, बिकॉज ये एक बार ऊपर जाएगा, वी जीरो हुआ तो वापस नीचे आएगा, इधर भी जाएगा, मतलब थीटा एक बार पॉजिटिव होगा, थीटा एक बार नेगेटिव होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज है। तो यहाँ पे कैसी मोशन करेगा, ये ऑस्किलेशन करेगा। तो थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा वन जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। कॉस थीटा वन ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कॉस कभी नेगेटिव नहीं देता ना, कॉस पॉजिटिव हो गया ऑलवेज। तो यहाँ पे कॉस कैसी मोशन करेगा, वो ऑस्किलेशन करेगा, ऑस्किलेटरी मोशन। ओके, ये ऑस्किलेटरी मोशन होगा इसका बिटवीन, किसके बीच में होगा, बिटवीन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली डायमीटर। हॉरिजेंटली डायमीटर का क्या मतलब है, ये जो इसका हॉरिजेंटल डायमीटर है, इस हॉरिजेंटल डायमीटर से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, वापस इस पॉइंट पे जाएगा। तो हॉरिजेंटल जो डायमीटर है उसके अलोंग ये क्या करेगा, घूमता जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा केस नंबर सेकंड के बारे में। केस नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया, केस नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। केस नंबर सेकंड कह रहा है आर वेनिसेस बिफोर वी वेनिसेस। अब जो है वो आर जीरो हो जाता है, अब आर जीरो हो जाता है तो वही केस हो जाता है भाई, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू हो जाएगा। पहले हमने थीटा वन को कम किया था, अब थीटा टू को कम कर लेंगे तो वापस हमारे पास में वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, टू जी ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी ए इज ग्रेटर देन, पहले लेस देन था अब ग्रेटर देन है। नाउ यू कैन सी, तो सॉरी यहाँ पे कॉस लेना पड़ेगा ना, पहले कॉस लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी कॉस जब लेंगे ना तो थीटा वन इज मैक्सिमम, तो ये कॉस जो है वो मिनिमम हो जाएगा और ये इस टाइप से साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा टू जी ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा टू जी ए इज लेस देन, ये हो जाएगा टू जी ए माइनस यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा थ्री जी ए, एंड इसको अपन कैसे लिखेंगे, जी ए से जी ए कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ए इसकी रेडियस है, ये ध्यान ध्यान रखना। ओके, ए इज नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज ए रेडियस, तो रेडियस है तो इधर लाएंगे इसको, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स ए माइनस यू स्क्वायर इज लेस देन फोर जी ए माइनस, सॉरी इधर भी थ्री आएगा ना, हाँ, और इधर हो जाएगा टू यू स्क्वायर, एंड देन सबको मैंने कहा आप एक तरफ लाओ जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स माइनस फोर होगा तो ये हो जाएगा टू जी ए माइनस क्या होगा यहाँ पे, यू स्क्वायर इज लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा टू जी ए इज लेस देन यू स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है आपके पास में, टू जी ए जो ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टू जी ए लेस देन है। आप अगर यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर टू जी ए से ग्रेटर देन है तो आर वेनिश हो जाएगा, आर गायब हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी गायब नहीं होगी। इट मीन्स पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, अभी तक तो पार्टिकल कहाँ था, अगर मैं इसको अच्छे से आपको बताऊं, वैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बार इसको पूरा हटा देता हूं मैं यहाँ से। ओके, अब पार्टिकल जो है वो कहाँ तक जाएगा, इस हॉरिजेंटल, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो हॉरिजेंटल बन रहा है, ओके, ये जो आप देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल डायमीटर, इस हॉरिजेंटल डायमीटर से ऊपर जाएगा, हॉरिजेंटल डायमीटर से ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, यहाँ पहुंचेगा कब बताएंगे आपको। तो इस हॉरिजेंटल पॉइंट से इस हॉरिजेंटल पॉइंट के बीच में वो क्या करेगा, ऑस्किलेशन करेगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अब ऑस्किलेशन भी कैसे करेगा आप उसको भी देखें जरा, आर यहाँ पे है ही नहीं, जो इस पे आर फोर्स लग रहा है ना रिएक्शन का, वो रिएक्शन आर जो है वो जीरो हो गया। अब आर जीरो होने का मतलब है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वो क्या करेगा, इस सर्कुलर पथ को छोड़ के बाहर चला जाएगा या अंदर की तरफ कैसे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, लेकिन अब बाहर भी कैसे जाएगा, एक्चुअली ये बाहर नहीं जाता है, इस टाइप से समझे आप इसको, ये आर हट जाएगा, और आर हटने के बाद में ये पैराबोलिक मोशन करेगा, जैसे सर्कल में ऐसे चलना चाहिए था उसको, लेकिन वो ऐसे नहीं चल के ऐसा ऐसा हो जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा, इस टाइप से पैराबोलिक मोशन करेगा, वो यहां से चल रहा है ऐसे मान लेगा, वो पैराबोला बन जाएगा, इस रेडियस को हटा देगा, रेडियस का जो उसका रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा, और आर जो कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक मोशन करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मोशन कैसी होगी इन दिस केस, इन दिस केस द मोशन इज पैराबोलिक, द मोशन इज पैराबोलिक,
मोशन कैसी होगी, पैराबोलिक मोशन होगी। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री के बारे में, आर एंड वी वेनिशेस साइमेंटेनियसली। साइमेंटेनियसली का मतलब होता है साथ साथ में वेरी करते हैं, तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी ए हो जाएगा। इट मीन्स कॉस ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा टू हो जाएगा और यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी ए हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल अकर्स बिटवीन द वर्टिकल डायमीटर। ध्यान देना, सर्कल की बात कर रहा हूँ, आपस एक सर्कल ड्रॉ करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस सर्कल में यहाँ पे ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल को शो कर रहे हैं और ये जो है वो वर्टिकल को शो कर रहे हैं। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। तो क्या हो रहा है, अब पहले कहाँ था पार्टिकल, यहां से इस इसके अलोंग बात कर रहे थे। सबसे पहले वाली कंडीशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले वाली कंडीशन ऐसे चल रही थी, यहां से यहां तक हॉरिजेंटल के अलोंग मोशन कर रहा था। फिर क्या हुआ सेकंड कंडीशन में, यानी कि इस वाली कंडीशन में, ये जो हमने देखा इस वाली कंडीशन में पैराबोलिक मोशन कर रहा, मतलब पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ऐसे जाते जाते यहाँ से पैराबोला बन जाता है, उस पे से आर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। अब जब थर्ड केस की बात है तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, यहां जाएगा, इस कंडीशन पे आके क्या होगा, वापस नीचे आएगा, इसके अलोंग इस टाइप से मोशन करेगा, लेकिन पूरा एक राउंड नहीं करेगा, पूरा राउंड अभी भी नहीं कर रहा, पूरा राउंड कब करेगा उसकी भी बात आप आगे सुनिए, हम बात करेंगे ना आगे फोर्थ कंडीशन में, ये डिस्कस करने वाले कि वो पूरा राउंड कब करेगा। अभी पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद में इस पॉइंट से वापस नीचे आके इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि वर्टिकल जो डायमीटर है उसके अलोंग पार्टिकल मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकल पार्टिकल के अलोंग, सॉरी वर्टिकल डायमीटर के अलोंग मोशन अलोंग, ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल, ओके, मोशन ऑफ पार्टिकल इज अकर बिटवीन वर्टिकल, ओके, वर्टिकल जो है इसका डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के बिटवीन जो है वो मोशन करेगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, हॉरिजेंटल डायमीटर के अलोंग। सेकंड केस में क्या था, पूरा ऊपर जाता है लेकिन यहां तक जाता है, लेकिन वो यहां जाने के बाद में क्या आ जाता है, वो पैराबोला में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से, उसके ऊपर से आर का इफेक्ट हट जाता है। लेकिन अब आर और वी दोनों एक साथ में जीरो हो रहे हैं, तो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो रही है ना, ऊपर जाने के बाद में रुक जाएगा, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पाएगा। फोर्थ कंडीशन में हम डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ ट्रेसिंग द सर्कल और पैराबोला, या फिर जो सर्कुलर पैराबोला हम जो भी ले रहे हैं वो उसमें एक पूरा राउंड, पूरा ट्रेस कैसे कर्व करेगा, वन कंप्लीट राउंड की जो कंडीशन है उसकी बात करते हैं। वन कंप्लीट राउंड कहाँ होता है, जब इसका एंगल जो है ना एट पॉइंट बी, पॉइंट बी की मैं बात करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना। अगर मैं यहां से बात करूं इस वाले सर्कल में, इस वाले सर्कल में जो थीटा है ना वो घूम के कहाँ चला जाएगा, पाई एंगल पे चला जाएगा। तो थीटा हमने क्या लेट किया यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू पाई। अब थीटा पाई हो जाएगा मीन्स V क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, R क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अभी उसको पार करने की बात आ रही है, जब वो सर्कल में कंप्लीट राउंड करेगा तो क्या हो जाएगा, V V वाले फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ, V जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। V का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी कॉस ऑफ थीटा, और हमने क्या किया, कॉस पाई लिख दिया उसकी जगह, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, ये कंडीशन ग्रेटर देन जीरो की है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू ए जी कॉस पाई माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा टू ए जी ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा फोर ए जी इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए जी, फोर ए जी से ज्यादा अगर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये कंप्लीट राउंड कर जाएगा। ये किसके रेस्पेक्ट में था, वी के रेस्पेक्ट में। अब मैं बात करता हूँ आर के रेस्पेक्ट में। अब आर को अगर मैं जीरो कर, सॉरी आर जीरो नहीं होगा, आर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। अब आर का फॉर्मूला आपके पास में क्या था, एम बाई ए हमने पहले फाइंड किया है, तो एम बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस क्या था, थ्री ए जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह हमने रखा पाई, और ये किसके है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस फाइव, जैसे ये टू ए जी माइनस थ्री ए जी, माइनस वन हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा फाइव ए जी ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर ग्रेटर देन फाइव ए जी। ये किसके रेस्पेक्ट में आ गई, ये आ गई आपके आर के रेस्पेक्ट में,
इसकी इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा ये किसके रेस्पेक्ट में आ गई, वी के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर 4 ag से ज्यादा है तो ये काम चलेगा। तो देन द पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के अलोंग चलेगा और वो वन कंप्लीट राउंड करेगा। सो दिस इज द कंडीशन, ये उसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ वन कंप्लीट राउंड। ओके, ये इसके वन कंप्लीट राउंड की कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन हमने लिखी v के रेस्पेक्ट में u स्क्वायर, v जीरो है तो u स्क्वायर 4 ag होना चाहिए, r जीरो है तो u स्क्वायर 5 ag होना चाहिए, दोनों के लिए हमने कंडीशन फाइंड की। तो ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट कंडीशन, ये हो जाएगी इसकी सेकंड कंडीशन, उसके थीटा इज इक्वल टू पाई होने पे एट पॉइंट, हमने कहा पॉइंट बी पे हम इसकी बात कर रहे हैं। सो आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक में पूरा हमने सर्कुलर मोशन की बात की है, जिसमें स्मूथ वर्टिकल सर्कल में अलग अलग केसेस देखे। फर्स्ट केसेस में वो हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग मूव कर रहा है, सेकंड केस में वो यहाँ आके इस कंडीशन में आके वो पैराबोलिक मोशन करने लग जाता है अपने, यानी कि उसमें से आर जीरो हो जाता है, और थर्ड केस में क्या कर रहा है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, वो इस टाइप से ऑस्किलेटरी मोशन कर रहा है, और फोर्थ कंडीशन में हमने पूरा ट्रेसिंग देखा कि पार्टिकल पूरा कब मूव करेगा, जब आर ग्रेटर देन वी होता है या वी ग्रेट सॉरी आर ग्रेटर देन जीरो होता है या वी ग्रेटर देन जीरो होता है, दोनों कंडीशन हमने देखा। यू स्क्वायर जो है वो ज्यादा होता है अगर 4 ag से, या आर की बात करें उसमें आर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें क्या होगा, यू स्क्वायर ग्रेटर देन 5 ag होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।